हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने जेट प्लान को रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ। इसको मैं जल्द ही बोनसाई में कन्वर्ट कर लूँगा। अब इस में रूट बाउंडिंग हो गए, इसलिए मैं इसको अब बड़े गमले में ट्रांसप्लांट करूँगा। ये गमला मैंने टाइल से बनाया हुआ है। इसमें नीचे लगे हुए गमले के टुकड़े हमें निकाल लेना है। अब इसके नीचे की मिट्टी मैं नहीं हटाऊंगा, बस ऊपर की एक इंच जितनी ही मिट्टी इसमें हटाऊंगा, क्योंकि अभी इसकी ग्रोथ सही हो रही है। और हम नीचे की रूट को छेड़ेंगे तो फिर इसकी ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी, इसलिए भूल कर भी ये गलती मत करना। अब मैं इसकी मिट्टी तैयार कर लूँगा। इस मिट्टी में मैंने गार्डन सॉइल और रेत ऐड की हुई है, और अब इसमें फंगिसाइड पाउडर 1 चम्मच डाल दूँगा, ताकि मिट्टी में कोई फंगस हो तो वो प्लांट में ना लगे और मिट्टी से ही निकल जाए। अब मैं इसमें 15 से 20 दाने DAP के दे दूँगा, ताकि इसकी ग्रोथ में इजाफा हो और इसका मेन ब्रांच भी मोटी हो जाए। अब मैं इसमें एप्सम सॉल्ट डालूँगा, तकरीबन 1/2 चम्मच। एप्सम सॉल्ट से इसकी पत्तियाँ एकदम हरी रहेगी और प्लांट भी खिला खिला लगेगा। बस इसमें 1/2 चम्मच इनफ है। अगर आपका गमला बड़ा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब इसकी मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर ले। अब इसके नीचे गमले में हम पत्थर रख देंगे, ताकि ड्रेनेज होल से मिट्टी ना निकले और पानी अच्छी तरीके से निकल सके। इस पत्थर को इस तरह रखें कि पानी निकल सके। हम डायरेक्ट ऊपर रख देंगे तो ड्रेनेज होल ही ब्लॉक हो जाएगा, उसका ध्यान रखें। अब मैं इसमें मिट्टी डाल दूँगा। अब इसमें प्लांट रख के चेक कर ले कि प्लांट कितना ऊपर आ रहा है। अगर ज़्यादा ऊपर है तो थोड़ी मिट्टी निकाल ले। अब इसमें साइडों में से मिट्टी फिल कर ले। इसको साइड से अच्छी तरह से दबा के दे, ताकि प्लांट एकदम सेट रहे और हिले डुले ना, क्योंकि प्लांट टेढ़ा हो जाएगा तो इसकी खूबसूरती गायब ही हो जाएगी। अब इस प्लांट को ऊपर से हम पिंचिंग कर देंगे, ताकि नए नए शूट हो और प्लांट एकदम घना हो जाए। अभी जेट प्लांट का ग्रोइंग सीजन है।
इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी पिंचिंग करनी पड़ेगी ताकि ये जल्दी से बोनसाई में कन्वर्ट हो सके। बस इतनी पिंचिंग इनफ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।